लॉकेट संजय। बढ़िया। तो भाई निफ्टी में भी मन तो खरीदारी करने का, अगर इस तरह का डिप जो दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी का, तो हाथों हाथ ले लीजिएगा खरीदारी करने का मन। इवेंचुअली थोड़ी देर पहले 18,000 की चर्चा हो रही थी, असित कह रहे हैं 18, 118, 200 तक की जाने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। तो इस डिप्स में खरीदारी करने का मन निफ्टी के लिहाज से। सिंजीन, पहला प्रेफर्ड पिक आपकी स्क्रीन पर। फ्राइडे को दो स्टॉक्स लाइमलाइट हॉक कर रहे थे, एक तो चोला था अपने क्वार्टर अपडेट के चलते बहुत सॉलिड लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया था, और दूसरा सिंजीन था। फाइनली दिन के हाईस पे जाके 6% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ, अच्छे खासे एग्रेसिव लॉन्ग्स यहां पे क्रिएट हुए थे। और असित कह रहे हैं आज का प्रेफर्ड स्टॉक यही है, 665 तक के लेवल्स के लिए यहां पे आप खरीदारी करें। चतुर्मोदा साहब हाय, गुड मॉर्निंग। चतुर्मोदा साहब पहला स्टॉक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जो मेरा पहला स्टॉक है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी में हम काफी समय से स्ट्रेंथ की बात कंटिन्यूसली कर रहे हैं। 156 के और लेवल से हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस स्टॉक में अभी भी ट्रेंड काफी प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट पूरा जो मेटल बास्केट है, चाहे वहाँ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता या एनएमडीसी की बात करें, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेंड है। और एक कंसोलिडेशन के बाद अब मुझे लगता है कि एक नेक्स्ट रैली यहाँ पर वापस शुरू होगी। तो एनएमडीसी के अंदर में खरीदारी की राय रहेगी। 169 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 185 के लक्ष्य मैं समझता हूँ एनएमडीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ आशीष जी, कुछ स्टॉक जैसे कि सीमेंस, बीएल बैंकिंग में, आईसीआईसी और एसबीआई, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर हमारा पॉजिटिव रुझान बना हुआ है। और इनके अंदर भी हम जहां पे भी मौका लग रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, ये डिप में हमें लगता है ये स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर, इनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मेटल्स पे आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है?